फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग जा रहे हैं पुरी, यानी कि जगन्नाथ पुरी जा रहे हैं। रथ यात्रा के बाद जो लास्ट डे होता है रथ यात्रा का, यानी कि जो बाहुड़ा यात्रा होता है उसका सबसे लास्ट डे जो होता है, यानी कि नीलाद्री बीजे, जिस दिन जगन्नाथ जी उनके भाई बहन और सुदर्शन जी के साथ शिव मंदिर लौट जाएंगे, उसको नीलाद्री बीजे बोलते हैं। उसी दिन माना जाता है कि जब नीलाद्री बीजे करेंगे भगवान जी उनके भाई बहन और सुदर्शन जी के साथ, अगर आप लोग उसी टाइम उनके दर्शन करते हो तो बहुत ही शुभ होता है, वो माना जाता है। तो हम उसी टाइम दर्शन करने के बाद फिर रात को 1-2 बजे फिर से भुवनेश्वर लौट आएंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में हमारे साथ। तो हम चले अभी पुरी। जय जगन्नाथ। मैं, मम्मा और हस्बैंड तीनों मिलकर जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और आप लोग देख सकते हो वेदर कितना अच्छा है, पूरा एकदम से जो बोलते हैं ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ दिख रही है। और शाम के अभी ऑलमोस्ट आफ्टरनून के 4 बजने वाले हैं, हम लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे पुरी में। फिर शाम का जो पूजा होगा उसको देख कर नीलाद्री बीजे देखेंगे। अभी हम लोग पुरी में पहुंच गए हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उड़िया में जय जगन्नाथ लिखा हुआ है। और इस टाइम जो है सिक्योरिटी, यानी कि सेफ्टी पर्पस के वजह से आउटसाइडर्स के लिए पुरी में एंट्री करने के लिए पास का चेकिंग जो है वो कंपलसरी है। तो चलिए मेरे साथ हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं पुरी में। अभी पुरी बड़ा दांडम में पहुंच गए हैं। और मैं आपको तो जो पुरी वाला जो व्लॉग था सब मैं आपको बताई थी। अभी यहां से हम लोग ऑटो लेके जाएंगे मंदिर की तरफ। जय जगन्नाथ। तो फिर चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को भगवान जी का दर्शन कराती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। हर साल रथ यात्रा में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लैक्स में टूरिस्ट और भक्त जो हैं लाखों में आते हैं भगवान जी का एक झलक पाने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भगवान जगन्नाथ जी को डायरेक्टली, और माँ सुभद्रा और भगवान बलभद्र जी को डायरेक्टली सामने देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट और भक्त आते हैं रथ यात्रा में, जो कि लाखों में होते हैं। और ये जो फीलिंग है बहुत ही अच्छी है, मैं आपको जो है जो बातों में यानी कि वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ ये जो फीलिंग है। जय जगन्नाथ। हिंदू पंचांग के अनुसार यानी कि जो तिथि है उसके अनुसार रथ यात्रा जो होती है वो आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष होती है उसके द्वितीय तिथि में होता है, जो कि भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और माँ सुभद्रा सुदर्शन जी के साथ रथ यात्रा में निकलते हैं। और इस साल जो है 2022 में 1 जुलाई यानी कि शुक्रवार को ये रथ यात्रा हुआ था, और 9 दिन के बाद जो है 9 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा हुआ था, और नीलाद्री बीजे जो है वो है आज यानी कि 12 जुलाई को हुआ है। और अभी रथ पर ही भगवान जी के संध्या पूजन होंगे, उसके बाद नीलाद्री बीजे के सारे जो है रिचुअल्स वो स्टार्ट हो जाएंगे। 2 साल के बाद भगवान जी अपने भक्तों से मिल पा रहे हैं रथ यात्रा पर, और भक्त भी भगवान जी को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सबके आंखों में ऑलमोस्ट ये खुशी दिख रही है कि 2 साल के बाद रथ यात्रा में भगवान जी को देख रहे हैं। और ये जो माहौल है एकदम भक्तिपूत माहौल जो बोलते हैं वो है, तो आप लोग देख सकते हो पूरा माहौल जो है। भगवान जगन्नाथ जी का नाम का अर्थ जो है वो है जगतनाथ, यानी के पूरे जगत के स्वामी, यानी के पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है ये। और इनकी जो नगरी है वो है जगन्नाथपुरी,
पूरी मतलब कंप्लीट, तो इनसे ही पूरा जो ब्रह्मांड है वो कंप्लीट होती है और ये हम सबके और पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और हम लोग जो है हर साल मिनिमम एक बार तो आते ही आते हैं भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा और भगवान बलभद्र जी को, सुदर्शन जी को दर्शन करने के लिए। और इनको दर्शन करके पूरा जो है मन को बहुत शांति मिलती है। मैं यहाँ पर कुछ क्लिपिंग्स डाल रही हूँ नीलाद्री विजय के आप सबके लिए। आप लोग दर्शन कीजिए भगवान जी को और प्रार्थना कीजिए भगवान जी से कि कोरोना से दुनिया को मुक्त करे और सबको सुख शांति और खुशी दे। गाइस, अभी रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोग मंदिर के अंदर चले गए थे तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई। अभी जस्ट निकल रहे हैं मंदिर से भुवनेश्वर के लिए और चलते हैं फिर। और अभी 12:30 हो गया है, हम लोग बड़दांडा में हैं मंदिर में। नीलाद्री विजय, जैसे कि मैं आप सबको बोली थी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र जी, सुदर्शन जी के साथ मंदिर के अंदर गए, वो सब देखे, फिर आए मंदिर से। 12:05:10 ऑलमोस्ट हो गया था मंदिर से निकलते निकलते। अभी हम लोग अपने कार के पास जा रहे हैं। भुवनेश्वर में पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2:30 बज जाएगा। गाइस, अभी जस्ट रात के 3 बजने वाले हैं और हम लोग भुवनेश्वर में पहुंच के फ्रेशन अप होके अभी जस्ट आए, तो मैं सोची क्यों ना व्लॉग को यहीं पर एंड किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इतने पास से कभी भगवान जी को देखी नहीं थी, भगवान जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को और सुदर्शन जी को रथ में देखी थी, मंदिर में देखी थी, लेकिन इतने पास से मंदिर में जो नीलाद्री विजय में गुजरना मैं कभी देखी नहीं थी। बहुत ही पास से गुजर रहे थे हम लोग, वहीं पर खड़े थे और बहुत ही अच्छा लगा। लिटरली मुझे गूज़बम्स आने लगे थे। और ये भी माना जाता है कि आप लोग अगर नीलाद्री विजय के टाइम भगवान जी का दर्शन करते हो तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो ज़रूर आना कभी। और हम लोग तो लकी हैं क्योंकि हमारे पास, हमारे यहीं पर पास में ही हैं भगवान जी, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं रथ यात्रा को, भगवान जी को दर्शन करने के लिए भगवान जी का। और आप सबका तो पता होगा रथ यात्रा बहुत ही ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और ज़रूर आना कभी आप लोग, क्योंकि नीलाद्री विजय में ही आप लोग इतने पास से भगवान जी को देख सकते हो, भगवान जी आपके पास से ही गुजर के जाएंगे मंदिर में, तो बहुत है, बहुत ही अच्छा फीलिंग था आज। मुझे तो लिटरली, मैं जैसे बोली कि गूज़बम्स आने लगे थे। तो आप लोग ज़रूर आना कभी। और कैसा लगा है व्लॉग ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को और ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगी कि अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।